आवास पर रोजगार मेले का आज आयोजन किया गया, जहां पर एलटी चयनित अभ्यर्थियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे। गणित, कॉमर्स, संस्कृत के शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज दिए गए और साथ ही संगीत और उर्दू के शिक्षकों को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही जो बचे हुए एलटी चयनित शिक्षकों को जिलों में अपने नियुक्ति पत्र उनके दिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि लंबे संघर्ष के बाद में एलटी चयनितों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए। राज्यभर में 1400 से ज्यादा एलटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से कुछ शिक्षकों को आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ही आज इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां पर एलटी चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के जरिए ये नियुक्ति पत्र दिए गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो बचे हुए अब चयनित अभ्यर्थी हैं उनको उनके जिले में ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। करीब 1400 से ज्यादा चयनित शिक्षक हैं जिनको ये नियुक्ति पत्र अब दिए जाएंगे। कुछ को आज मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री आवास पर रोजगार मेले का आज ये आयोजन किया गया, जहां एलटी चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिए। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें गणित, कॉमर्स, संस्कृत, संगीत और उर्दू के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। और जो बचे हुए एलटी शिक्षक हैं, जो चयनित शिक्षक हैं, उनको अब उनके जिलों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और इसी कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का, आपको सुनवाते हैं। रोजगार मेले में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उन सभी को अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वाद देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। और जिन शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। उसी क्रम में यहां पर आज उत्तराखंड की सरकार ने भी, जो शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उन सभी को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। और निकट भविष्य में अन्य विभागों में भी इस प्रकार के जो भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उन सभी के लिए भर्ती मेले आयोजित किए जाएंगे, रोजगार के मेले आयोजित किए जाएंगे और उनमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और जो पद रिक्त हैं, उन सभी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशव्यापी अभियान किया है, उस अभियान का हिस्सा बनते हुए, इसमें भाग लेते हुए, हम लोग सभी जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आयोगों को उसके अध्याचन करने के लिए भेजेंगे, उसकी सूचनाएं भेजेंगे। सर, हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्बाध परीक्षा संपन्न हुई, हालांकि उसको लेकर तमाम अफवाहें उड़ाई गई, सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया गया। आगे भी अब कैलेंडर तैयार है, उनकी परीक्षाएं तेजी से होने जा रही हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? और एक बड़ा संदेश जो राज्य सरकार ने UKSSC और लोक सेवा आयोग में घपला करने वालों को जेल भेज के दिया, उसके मायने क्या? देखिए, जो लोग भर्ती प्रक्रिया नहीं चाहते थे, युवाओं को समय पर एग्ज़ाम में भाग लेने का अवसर नहीं चाहते थे, उन्होंने तमाम तरह से मनगढ़ंत बातों को लाने का काम किया है, युवाओं को बरगलाने की भी कोशिश की है। लेकिन 1,03,000 पटवारी लेखपाल की परीक्षा में छात्र छात्राओं ने, भाई बहनों ने जो भाग लिया, वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान भाई बहन किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं और वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करेंगे। मैं भी उनको कहना चाहता हूं कि सभी परीक्षाएं नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी और सभी लोग अपनी आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। जो कैलेंडर आयोग ने जारी किए गए हैं, उसके अनुरूप परीक्षाएं होंगी। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने दो टूक कहा है कि जो युवा मेहनती हैं वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें, निर्बाध रूप से राज्य सरकार परीक्षा संपन्न कराएगी और समय से बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, News 1 India, देहरादून।
तो आपको बता दें कि आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर ही रोजगार मेले का आज ये आयोजन किया गया था, जहां पर इन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और जो बाकी बचे हुए एलटी चयनित शिक्षक हैं, उनको नियुक्ति पत्र उनके जिले में ही दिए जाएंगे। दरअसल लंबा संघर्ष चला है, उसके बाद में एलटी चयनितों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें पूरे राज्य भर से करीब 1400 से ज्यादा एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिए गए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि नकल रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसके लिए कानून का भी प्रावधान अब लाया जाएगा। संगीत और उर्दू के शिक्षकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह नियुक्ति पत्र दिए हैं। और जो बचे हुए एलटी शिक्षक हैं, अब उनको भी नियुक्ति पत्र उनके जिलों में दिए जाएंगे। फिलहाल कुछ चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें सौंपे हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर ही रोजगार मेले का यह आयोजन किया गया।